हरे कृष्णा। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम रीडिंग से। रोमांस एंजल्स में से लेने वाले हैं 5 कार्ड, स्टार में से भी लेंगे 5 मैसेजेस और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड्स को शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है इनके घर में किसी की शायद तबीयत खराब है, या तो इनकी तबीयत हो सकता है या फिर घर के किसी मेंबर की, या फिर मे बी आपकी सेहत को लेके थोड़ा सा ये सोच रहे हैं और उसी सेहत को लेके शायद आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मतलब आपने अगर इनको बता दिया है कि आपकी कुछ हेल्थ इशू चल रही है तो ये आपसे मिलके आपको एक उनके दिल के जज्बात बोलने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जब तक वो आपको अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक शायद इनको चैन नहीं मिलने वाला, आपका ख्याल रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप अगर अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, इतने ज़्यादा अगर आप तकलीफ में हैं या बीमार हैं, तो ऐसे में ये सोच रहे हैं कि आखिर मिले तो मिले कैसे आपसे। और अगर आपकी हालत वैसे नहीं है तो हो सकता है इनके घर में शायद कोई बीमार है और ये पर्सन उस पर्सन की हेल्थ को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मे बी उनका ख्याल रख रहे हैं। तो राइट नाउ तो सेहत को लेके कुछ ना कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है द टावर। टावर का कांड तो जैसे आपको पता ही होता है, जैसे यहाँ पे अचानक से इस पेड़ के ऊपर बिजली गिर पड़ी है और ये जो कौवे हैं ये खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा हो जाएगा। वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड बातों से शायद ये डील कर रहे हैं या फिर ऐसे ख्यालात हैं जो इन्हें सता रहे हैं कि जिंदगी, मतलब लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी बातों को लेके ये फिक्र कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा केयरिंग नेचर ज्यादा हो सकता है इनका, या फिर आप कह सकते हैं कि परेशानी की हालत में इनको लग रहा है कि लाइफ में आखिर सोच समझ के भी इंसान कुछ फैसला ले तो भी करे तो क्या करे, अगर अचानक से कुछ प्रॉब्लम सामने आते हैं तो उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एसेस तो आपको पता ही है हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो अपनी चाहतों के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं और करियर को भी इम्पोर्टेंस देते हुए इनके मन में जैसे आ रहा है कि मुझे, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सबका ख्याल रखूं, यानी कि इंक्लूडिंग अपने दिल की चाहतों के साथ साथ घर वाले हो या फिर पैसे हो, उनका भी ये खुद ही बैलेंस रखने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं और ये पर्सन इनको कुछ पैसे दे रहा है, यानी कि जैसे इनको कुछ लेना हो तो ये पर्सन अपनी तरफ से दे रहा है। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है मे बी किसी की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर
किसी को पैसों की फाइनेंशियल वगैरह जरूरत है तो मे भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, या फिर इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है कि इनको सच्चे दिल से लगता है कि जिसको भी मदद की जरूरत है ये अपनी मदद का हाथ इमीडिएटली आगे बढ़ा देते हैं। तो काफी अच्छा नेचर है इनका और ये सोच रहे हैं कि उससे जो बन पड़ेगा वो मैं दूसरों के लिए जरूर करूंगा या करूंगी। और नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। यहाँ पे ये आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, रोमांटिक जज्बात से ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों का साथ बिल्कुल ना छूटे। ये जैसे एक दूसरे के हाथों को थामे हुए हैं और साथ ही साथ एक स्कार्फ जैसा कुछ बंधा हुआ है, वैसे इनके दिल की चाहत है कि आप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। यहाँ पे तो आप कह सकते हैं पिजन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सुकून को, तो उन्हें लगता है आप प्रॉपर तरीके से उनकी जिंदगी में जब आएंगे तब इनको वो सुकून या फिर वो हैप्पीनेस मिल जाएगा जिसकी शायद हमेशा से इनको तलाश है या फिर वो बातें जो ये चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। प्रिजन, इनको शायद काफी ज्यादा परेशानियां सता रही है, यानी कि जब ख्यालों में इंसान फंसा हुआ होता है तो उसको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है या फिर मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उस तरह की बातों को लेके सोच रहे हैं जहां से उनको लग रहा है कि उनको ही अपनी तरफ से कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे खिड़की भी है, वहां से बाहर जाना है तो इनको ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, या फिर दरवाजा है तो वो खोलने का भी इनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये अकेले है अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फिर है प्रिस्ट, तो प्रिस्ट मतलब शायद किसी का ये सजेशन वगैरह ले रहे हैं, अगर ज्योतिष के ऊपर वगैरह भी इनका यकीन है तो हो सकता है कुछ रेमेडीज है क्या, कुछ ऐसी शांति या फिर पूजा करवा सकते हैं क्या जिसकी वजह से सब ठीक हो जाए, यानी कि घर के लोगों को लेके अगर ये परेशान हैं या फिर किसी की हेल्थ को लेके इनको लग रहा है कि शनि की महादशा है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो मे भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि कुछ पूजा पाठ वगैरह भी करवा ले। फिर है रू, तो लोनलीनेस काफी ज्यादा महसूस हो रहा है और खालीपन महसूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक कमरा तो है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, वैसे ही उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं वो। फिर है थीप, तो हमेशा उनको डर लगा रहता है कि जो मेरी खुशियां हैं वो मुझसे कोई चुरा ना ले, यानी कि आपके साथ अगर हमेशा में ये सोचते रहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, तो शायद जैसे टावर का कार्ड हमें मिला कि कुछ बातें ऐसी शायद किसी से सुनी हैं या फिर कुछ ऐसे दिमाग में आई हैं जिसकी वजह से अपनी खुशियां खोने का इनको डर सता रहा है। और नेक्स्ट है चीयरफुलनेस, तो यहाँ पे जैसे तीन लोग हैं वो चीयर्स कर रहे हैं यानी कि कुछ जश्न मना रहे हैं, तो राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी जिंदगी में वो पल कब आएगा कि मैं इस स्ट्रेसफुल माहौल से निकल के खुशियों को एंजॉय कर पाऊंगा या फिर डे टू डे डेली लाइफ को भी आसानी से जी पाऊंगा। फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो हालात को संभालना हर बार हमारे बस की बात नहीं होती, जैसा कि भले ही हम चाहें कि अभी के अभी शाम हो जाए ताकि हम शाम के वक्त का मजा उठा सके, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जो नेचर है वो अपनी तरीके से चलता है, यानी कि सूरज अपने वक्त पे उगता है वो अपने वक्त पे ही चला जाता है, रात अपने वक्त पे हो जाती है, वैसे ही कुछ बातें हैं जो हम चाहते हुए भी जब हो नहीं पाती हमारी जिंदगी में तो वहां पे लेट गो करना ही सही होता है, और ऐसी ही बातों को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, तो आपसे ये सच्चा प्यार करते हैं और उनको जैसे यहाँ पे लग रहा है इस क्यूपिड ने वो एरो सेंड कर दिया है जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार में जुड़े हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है वो सच्चा प्यार है और उसी प्यार को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, तो ये कार्ड तो आपने देखा ही रिवर्स आया है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, यानी कि खुद से ज्यादा ये बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि घर में अगर किसी की तबीयत खराब है तो ये उनको लेके सोच रहे हैं। फिर है पैशन, ये कार्ड भी रिवर्स आया था, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंक विद जॉय, तो राइट नाउ भले ही इनके दिल में कुछ जज्बात है लेकिन वो पैशन नहीं है, यानी कि राइट नाउ तो आपको लेके फिकर कर रहे हैं,
एक्साइटमेंट या फिर थ्रिल या फिर रोमांस से ज्यादा इनके दिलो दिमाग में आपको लेके अगर कुछ चल रहा है तो केयर है, यानी कि आप सही रहे या फिर आपके हेल्थ इशू या फिर घर के लोगों की हेल्थ इशू की वजह से ये उस पैशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और ये कार्ड भी रिवर्स आया था, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले ही कार्ड में हमने देखा कि उनको लग रहा है कि जैसे वो प्रिजन में है, कैद में है, और ये तब तक कैद में से निकल नहीं सकते, मतलब खुद लाख कोशिश भी करें लेकिन ये उनके बस की बात अगर नहीं है यहाँ से निकल पाना राइट ना, अगर हालात वैसे नहीं है तो थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो वैसे ही बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि राइट नाउ थोड़ा सा शायद इनको जो वक्त है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है और इस वक्त के साथ वो अपनी तरफ से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। हैव अ नाइस डे।